नमस्कार। आज सारे होम्स सेक्टर 92 से एक सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक कोबरा है। जाकर देखा तो पाया कि वहाँ एक सोप का काम चल रहा है, जिसकी बिजली की फिटिंग में एक कोबरा घुसा हुआ था। जो पाइप है उसके अंदर घुसा हुआ था, आधा शरीर अंदर था। हमने उसे बड़ी सावधानी से निकाला, कहीं वापस ना घुस जाए। लोग इसको रेड स्नैक समझ रहे थे। मैंने इनको बताया कि ये रेड स्नैक नहीं है, भारतीय नाग है, स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि बहुत ही जहरीला सांप होता है। और इसके काटने से आदमी या किसी भी जंतु की मौत भी हो सकती है। लोगों को सांपों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। वे इस वजह से ज़्यादा दुर्घटना के शिकार होते हैं कि वे सांप की आईडी को ठीक से पहचान नहीं पाते और गलत व्यवहार कर लेते हैं। गलतफहमी में वो सांप का शिकार हो जाते हैं या सांप के बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं। हमने उसको सांप के बारे में उनको सबको बताया है कि भाई ये बहुत ज़्यादा जहरीला सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है, भारत में सबसे ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार है। और इसके काटने पर तुरंत अस्पताल की तरफ आदमी को ले जाना चाहिए, किसी झाड़ फूँक से बचने के लिए। और इसका एक ही इलाज है कि इसका एंटीवेनम हर हॉस्पिटल में मिलता है। तो हमने इसका सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया है और अपने बैग में हमने इसको डाल लिया है। आप भी कृपया सांप को देखें, पहचानें और उसके नज़दीक ना जाएं और दूरी बनाकर उस पर नज़र रखें और किसी एक्सपर्ट को बुलाएं, किसी स्नैक रेस्क्यूर को बुलाएं या वाइल्ड लाइफ महकमे को सूचना दें। खुद सांप को ना छुएं, क्योंकि आईडी के बगैर ही दुर्घटनाएँ होती हैं और लोग पहचान नहीं पाते। आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आप